दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले नेपाल ए वर्सेस आयरलैंड ए के बीच जो कि फर्स्ट वनडे मैच खेला जाएगा, अनऑफिशियल ओडीआई मैच है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओडीआई मैच है ये, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप देखोगे तो T20 मैच हमने कवर किया, वो काफी जबरदस्त गया। T20 सीजन जो था वो भी काफी अच्छा गया। देखिए, ये वनडे मैच है, सब कुछ सेम है, बस 50 ओवर का गेम कर दे। विकेट भी सेम है, प्लेयर्स भी सेम है, स्क्वाड भी सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं, बस ओवर्स बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ है। बट स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं टेस्ट मैच भी कवर करने वाला हूँ, ये वाले मैच जो से क्योंकि वुमेन मैच है और वुमेन मैच जनरली कवर करता है, और डोमेस्टिक मैच जैसे भी जितना मैं कवर करता हूँ उतना कोई नहीं कवर करता है। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर वो फाइनल टीम और विनिंग टीम सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल फेक मत ज्वाइन करना, क्योंकि सर्च करने से मेरे नाम से हजारों फेक चांस बन चुके हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, लिंक हैंड अप ऑप्शन काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, बस फेक मत ज्वाइन करना। आप सीधा सीधा काम के जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके बताता हूँ आपको। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ये एड्स बहुत ज़्यादा चलता है, तो वीडियो देख रहे हो, वीडियो को एक लाइक करना कंजूसी मत करके, खुद की वीडियो लाइक नहीं कर सकते, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और आप कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बस फेक मत ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के लिंक से ही कीजिएगा। एंड बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे कवर अप करना चाहूँगा, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, मैं फिर यही करूँगा। आप लास्ट मैच स्कोर कार्ड से टीम क्रिएट, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फर्स्ट मैच है कैसे लास्ट मैच स्कोर कार्ड से टीम क्रिएट करूँ, मैं बता दूँ सब कुछ सेम है। अगर आप स्टार्ट से टीम क्रिएट करने जाओगे तो अभी मैच स्टार्ट हुए कितना टाइम हो जाए, उसे देखो ना, 4 घंटे भी नहीं पूरा, देखो 4 घंटे, इतना ही मुझे वीडियो को अपलोड भी करना है, एडिटिंग भी करना है, आप खुद से सोच के देखो, और इतने कम समय में सब कुछ नहीं हो सकता। इसका मुझे इस मैच को भी कवर करना है ना, तो मैं सोचा इसका इस वीडियो को जल्दी खत्म करें, उसको ये वाला मैच कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लोग डिमांड करें इस वीडियो के, और ऐसे मैं वही मैचेस कवर करता हूँ जिसका लोगों को कम नॉलेज होता है, क्योंकि मेरा काम है ज्ञान बांटता हूँ जो दे ही रखो। स्टार्ट वगैरह मैं कभी फॉलो नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, अगर आप स्टार्ट से अगर टीम क्रिएट करो इसका साफ सही से मतलब है आपको बहुत कम स्किल है। फर्स्ट मैच है, लास्ट मैच, वो सब कुछ सेम है, विकेट सेम है, प्लेयर सेम है, स्क्वाड सेम है, सब कुछ सेम है, लाइनअप तक इवन सेम है, तो वो सब टाइम पास नहीं करेंगे। देखो वो 30-20 जो कि हमने कवर भी किया था, तो सबसे पहले देखेंगे नेपाल ए का बैटिंग ऑर्डर। तो लोकेश बम देव कनेल के साथ ही ओपन करे, विनोद बंदी वन आउट, बासिर अहमद, देखो वन डे मैच है, फोना बैटिंग जनरली नहीं करता था लेकिन लास्ट मैच फोना बैटिंग करने आ गया था। आरिफ शेख है, पवन सारफ है, नयन जोशी है, राशिद खान जो कि हो सकता है आज अच्छा ऑप्शन हो, राशिद खान की तो बैटिंग तगड़ा करता है बंदा, टीम से बहुत तगड़ा पावर हीटर टाइप का प्लेयर टीम से ये बंदा, तो काफ़ी जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है कवर करके चलिए। तो बैटिंग ऑर्डर इनका वैसे भी तगड़ा है, हालांकि ये नहीं बोल रहा कि एकदम एक तरफा ये लोग बॉल करेंगे, दोनों ही 50-50 वाला चांस है, दोनों का 50% मौका है जो भी विन कर ले। बॉलिंग टाइप्स की बात करें तो नहीं बोल सकते, सागर ढाका जो कि 4 ओवर बॉलिंग किए लेकिन 8-10 ओवर बॉलिंग कर गए, वैसे भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, 10 ओवर स्पेशली से काफी जबरदस्त ऑप्शन, इंटरनेशनल मैच का प्लेयर में क्या ही बोलने के बारे में। विपिन खत्री जो टीम से 4 ओवर बॉलिंग किए, 3 विकेट चटका, इससे पहले भी 3 विकेट लिया था बंदे ने। उसके अलावा कमल सिंह अरे 4 ओवर बॉलिंग किए लेकिन 8-10 ओवर बॉलिंग करेंगे सर। नयान जोशी 3 ओवर बॉलिंग, कुछ ज्यादा खास बड़ा प्लेयर नहीं, बहुत महंगा साबित किया। राशिद खान जो कि बहुत जबरदस्त बंदे की पावर हीटर टाइप का है लेकिन पिटाई भी पावर हीटर जैसा ही हुआ है। बासिर अहमद जो कि सिर्फ 1 ही ओवर बॉलिंग किया लेकिन आज हो सकता है कि 5-6 ओवर बॉलिंग जनरली कर लेना चाहिए, कम से कम मुझे लगता है 5-6 ओवर बॉलिंग कर लेगा, तो ध्यान रखिए ये इनका बॉलिंग लाइनअप से। अब बात करते हैं आयरलैंड ए की टीम, रोज एंड्रो जो कि पावर हीटर है, ओपन कर जेम्स मैकलियन के साथ, पीटर मूर वर्ना बैटिंग करते, मॉर्गन टॉपिंग फोन पे, नील रॉक फिर पे, ग्रेट एलिस थॉस नीचे बल्लेबाजी करें, बट आज वनडे मैच है कवर करके चल रहा है, कैप्टन को दिक्कत दिए, जब T20 में बैटिंग आ सकता है उस पर डिफेंड लेंगे। मॉर्गन टॉपिंग बहुत दिन बाद स्कोर में देखा, 6 मार रहा है बंदे ने। उसके अलावा टीम दस से गैविन जो कि टीम दस से बॉलिंग तो शानदार करता है, इनोन हैंड भी बॉलिंग अच्छा करता है, इवन जो बैटिंग ऑर्डर तो तगड़ा है, नो डाउट पावर हीटर्स प्लस इन फॉर्म इनके पास, पावर हीटर रोज हिटर जैसे दोनों ही पावर हीटर भी होता है, फॉर्म में भी खेलता है, पीटर मूर एक इन फॉर्म प्लेयर है, प्लस हिटिंग में अच्छा कर लेता है। मॉर्गन टॉपी राम भरोसे है, किस्मत भरोसे, मतलब चला तो चला नहीं तो नहीं चला। लिया मैकेटी 4 ओवर बॉलिंग के पावर प्ले बॉलिंग किया, 8-10 ओवर बॉलिंग करेंगे, इनोन हैंड भाई जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, मैथ्यू फोस्टर, उसके अलावा ग्रेट डेली 3 ओवर बॉलिंग की टीम से, या 10-10 ओवर बॉलिंग करेगी सब मैथ्यू हमस प्लेयर। थोड़ा बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस है जो कि वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, तो वो कितना अच्छा जल्दी हो गया ना वीडियो कवर, अभी तो मैं स्टार्ट से अभी सर्च ही कर रहा होता और लिख ही रहा होता, उतने देर में ये वाला मैच मेरे हाथ से निकल जाता, लेकिन ये मैच में कवर करोगे बहुत कम लोग, मतलब कि ऐसे मैचेस कोई मतलब वीडियो अपलोड करेगा इसीलिए, क्योंकि बहुत लोग डिमांड भी करेंगे, और ऐसे मुझे आदत है, सबसे पहले तो मेरी आदत है ऐसे मैचेस कवर करने की।
बात करें कि ईपा सेक्शन से, उससे पहले देखो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो मेरे भाई 5-6 हज़ार लोग रजिस्ट्रेशन मतलब एक करवाना है, 5-6 हज़ार लोग अगर एक बार हो जाएंगे ना तो ऐप लॉन्च करने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो आप लोग जो उस जगह रजिस्टर्ड कर लेना, आप सीधा सीधा हमारा खुद का फैंटेसी ऐप मार्केट में लॉन्च हो रहा है, ठीक है, हमारा खुद का फैंटेसी ऐप। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो जल्दी से रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है, नाम है फैनवर्स, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। आप यहाँ से जाना, जैसे वीडियो देख रहे हो वीडियो ओपन करना, आप यहाँ मोर वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना, जो है सब सब्सक्राइब उसे करें, मेरे बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखो 4-5 बजे वीडियो शूट करना, 3 बजे से उठा हुआ है। देखो इस वाले लिंक पे क्लिक करना, ये फैनवर्स का क्लिक नहीं, फैनवर्स पर रजिस्टर करके इस पर क्लिक करना। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे इससे तो पॉपअप आ जाएगा, मतलब कि इससे कि आ जाएगा, तो उसके बाद इस वाले लिंक पे क्लिक करना, प्री इंस्टॉल का ऑप्शन इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन यूज कर लेना ताकि आपको रियल कैश मिल जाए। हम लोग देखो अलग किस्से मैं बताता हूँ, पहली बात तो फैनवर्स मेरा खुद का फैंटेसी ऐप है, अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया लेकिन मैं किया। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात, 50 नए फीचर्स ऐड किए, 50 नए फीचर्स जो कि आपको खेलने में बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो उससे भी बड़ा ऑफर है कि अगर आप बाकी ऐप्स अगर रजिस्टर्ड करो तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ बोनस मिलता है, वो भी बोलते हैं डिपॉजिट करो तो बोनस मिलेगा, लेकिन हम लोग आपको 100% रियल मनी देंगे जिसे आप खुद कह सकते, क्योंकि मेरा ना लगभग 7-8 साल पहले मैं मतलब 6 साल पहले मैं सोचता था कि मुझे मतलब ऐसा ऐप चाहिए जो कि खुद से मतलब कि बोनस या फिर रियल कैश दे, क्योंकि हेड टू हेड में भी यूज़ कर सकता हूँ, और वो मैंने आज करके दिखा दिया। ऐप कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा लेकिन रजिस्ट्रेशन जो ओपन है आप जल्दी रजिस्टर्ड कर लीजिए ताकि आपको रियल कैश मिल जाए। अभी अगर रजिस्टर्ड करोगे तो ही आपको रियल कैश मिलेगा, क्योंकि ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अगर लॉन्च हो जाए तो मेरा लाखों डाउनलोड्स हो जाएंगे भाई। तो अभी मैं अपने फैमिली मेम्बर से वो मौका दिया हूँ कि प्लीज़ जाकर रजिस्टर्ड कर लीजिए, 700 से ऊपर हो चुके हैं। अड़ा बात करते हैं, मैं टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहूँगा, फटाफट से बात करते हैं प्लेयर बाई सर्विस से, उसके बाद ये वाला मैच हम लोग को देखना है यार। गाइस बात करें विकेट कीपर से, बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करेंगे, मैं किसी का टाइम पास वगैरह बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो प्लीज़ यार इतना एफर्ट्स आपके लिए मैं डाल रहा हूँ, फ्री में आपसे कभी 1 रुपये भी फेंक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, सालों से आपको अच्छी टीम और विनिंग टीम दे रहे हैं और कभी आज तक आपसे 1 रुपये भी फेंक करने के लिए नहीं बोलता। सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल पर सेट कर दो जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब उसे कर लेना और बेल आइकन और ऑल पर सेट कर देना, ठीक है, जरूर से कर लेना, मेरे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। स्टेफन एक अच्छा ऑप्शन है, पीटर मूर भी एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट वनडे मैच के हिसाब से तो स्टेफन और इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो मिडल ऑर्डर संभालने के लिए कोई चाहिए, हालांकि नील रॉक वनडे मैच के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो बता टीम तो से जबरदस्त पिक है, सबसे पहली बात फॉर्म में चल रहा है, कैप्टन से कर रहा है और नील रॉक एक इनफॉर्म प्लेयर है। अगर आप आयरलैंड डोमेस्टिक T20 खेलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ओपनिंग आता था वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये काफ़ी जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है फॉर्म में, लेकिन पीटर मूर बहुत इनफॉर्म है, स्टेफन भी इनफॉर्म, इसे दो को कवर किया हो, थर्ड अगर पिक करना पड़ा तो नील रॉक और विनोद मंदिर दोनों को कवर करके चलते तो कोई दिक्कत नहीं चार विकेट कीपर्स, क्योंकि वनडे मैच के हिसाब से चारों ही अच्छी हैं। उसके अलावा फिलहाल दो पिक का आरिफ शेख, अब देखो पहली बात यही चीज़ है कि बंदा आरिफ शेख वनडे मैच है, मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा संभालता है, बॉलिंग भी करता है तो कवर करके चलो, रोज हिटर पावर हिटर है, फॉर्म खराब है लेकिन प्लेयर जबरदस्त है, देव करेल काफ़ी मतलब कि फॉर्म होता कुछ खास तो नहीं है लेकिन प्लेयर ठीक ठाक है, जेम्स भी बिल्कुल भी ठीक है, मोर्गन टॉपिंग वनडे मैच के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सब अच्छे हैं लेकिन मैं प्रिफर करूँगा, फिलहाल मैं एक पिक करता हूँ, अगर कोई अच्छा प्लेयर नहीं मिला गया तो मैं पिक कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोज रेडर पावर हिटर अगर चल गया तो देखो कीर्तिपुर का विकेट वही विकेट होगा, है ना, कीर्तिपुर का विकेट है, ये विकेट थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली रहता है, ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, छोटी बाउंड्रीज है, हालांकि इतनी भी छोटी नहीं है, हाँ शॉर्ट बाउंड्रीज है, इस हिसाब से तो जेम्स में क्योंकि रोज रेडर एक काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि रोज हिटर स्कोर ना करे लेकिन बंदा बता दो पावर हिटर बंदा है, फोन बैटिंग करने वाला बंदा है लेकिन आजकल ओपनिंग कर रहा है, मैंने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए रोज हिटर को, उसके अलावा लेकिन आजकल ओपनिंग कर रहा है बंदा। उसके अलावा ग्रैंडल इंपॉर्टेंट है, जी हो सबसे पहली बात तो पूरे ओवर बॉलिंग कर रहा है, कवर के चलते हैं, लेकिन मूड वैसे तो कवर करने का नहीं बट मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि वनडे मैच है, बैटिंग आ जाएगी ना, विनोन हैंड अच्छा है, बासिर अहमद पहली बात तो देखो पहली बात तो फॉर्म बहुत खराब चले, मैं खुद मानता इस चीज़ को फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वनडे मैच है, इनकी बैटिंग भी आ ही जाएगी और बॉलिंग भी 6-7 ओवर कर डालेगा 5-6 ओवर, तो पता नहीं ड्रॉप करना भी रिस्की है, पिक करना भी मुझे रिस्की लग रहा है, फिलहाल मैं 3 पिक करता हूँ, 4 पिक करना तो आपके लिए बासिर अहमद एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बेन वाइट देखो पहली बात तो जबरदस्त प्लेयर है, बॉलिंग पूरे ओवर करेगा, शानदार बॉलिंग करता है, कमल सिंह अच्छे है, मैथ्यू फोस्टर जबरदस्त है, निया मेकाटी अगर खेलेंगे तो पिक कर लेना, हालांकि टीम के साथ खेलेंगे तो पावर प्ले बॉलिंग करेंगे, अगर ये खेलेंगे तो मैथ्यू फोस्टर ये बेन वाइट नहीं खेलेंगे, बट ये अवेलेबल है तो दोनों ही अवेलेबल, दोनों स्क्वाड ज्वाइन कर रखें, लेकिन कोई खेलेगा कोई एक बेन वाइट खेल ले तो मैथ्यू निया मेकाटी, जिस वजह से मुझे लगता है ये बेन वाइट की ज़्यादा रहती है। नीचे देखोगे
सागर ढाका जो कि जबरदस्त ऑप्शन है। सिलेक्शन मत देख मेरे भाई, सिलेक्शन और क्रिकेट मत देख, प्लेयर में दम देखना ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ, सागर ढाकल है यार, ढाकल है ठीक है ना। अगर आपको यह सब फोर्थ पिक करना पड़े तो डेफिनेट अपनी टीम में ट्राई करना, मैथ्यू को ट्राई कर लेना। मैथ्यू हम स्पेन जो कि सबसे अच्छा प्लेयर मैं मानता हूँ, मतलब क्वालिटी बंदा है टीम में से। तीसरा सगा पिक कर लेना आर ढाकल वगैरह है, एस आलम ये जबरदस्त बंदा है टीम में से। एस आलम को हिटिंग करना भी जानता है बंदा, बंदा जबरदस्त है एस आलम। मेरा नाम लेते याद आ गया, इसका रिसेंट फॉर्म भी तगड़ा चल रहा है। तो एस आलम अगर खेलेगा तो जो से पिक करके चलना। ये सागर ढाकल नहीं रहा यार, पूरा देख के श्याम मौसम ढाकल है पे। तो बासिर अहमद को पिक कर लो, या फिर अपने टीम में जो दो प्लेयर सच है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आ रही है, मुझे विनोद बंदे लेने का मन है लेकिन लोग उनको पिक नहीं कर रहे। और देखोगे तो नील रॉक भी सही है, विनोद बंदे से तो दो को पिक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साइड से मुझे लगता है पिक किसको करें, मतलब मुझे एक प्लेयर इधर से चाहिए एक प्लेयर इधर से चाहिए, तो मैं किसको पिक करूँ। मैं बासिर अहमद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मिडल ऑर्डर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो बासिर अहमद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्लस बॉलिंग भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसे अपनी टीम पिक कर लेते हैं। उसके अलावा आप इधर से जाओ तो मैथ्यू फोस्टर को ले लो, मैथ्यू फोस्टर तो ले ही लिए, या फिर मैथ्यू हॉमस फेस को ले लो, या फिर अभी टीम में ले लो देव खने, नहीं तो रोज हिटर। मैं देखो रोज हिटर पावर हीटर बनता है, अगर T20 मैच है तो मैं पिक कर लेता, लेकिन डोमेस्टिक मैच के हिसाब से मैं जाना चाहूँगा विनोद बंदे के साथ। आप कुछ बोलेंगे, देखो पहली बात तो दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रोज हिटर लूँ या फिर जब से मैं पिक करूँ। देखो भीम सर की जबरदस्त प्लेयर फॉर्म इसका ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मिडल ऑर्डर के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन विनोद बंद्रे विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस टीम जैसे कैप्टनसी कर रहे हैं, तो काफ़ी जबरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं विनोद बंद्रे अपनी टीम में। तो ओवरऑल मेरी टीम बन गई, ज़्यादा टाइम में पास नहीं किया हूँ, हो सकता है मैं विनोद बंद्रे अभी पिक करूँ जेम्स मैकलिंगन, क्योंकि रोज अडर पहले मैं ड्रॉप कर दूँ, लेकिन मैं जेम्स मैकलिंगन को पिक कर सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा मुझे ट्रम्प कार्ड लग रहा है। रोज अडर फ्लॉप हो सकता है, लेकिन हो सकता है जेम्स मैकलिंगन फ्लॉप ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी टीम एक नंबर, मुझे टीम में कोई चीज़ का नहीं झूठ नहीं लग रहा है। मिडल ऑर्डर भी मैंने पिक कर ही रखा हूँ, टॉप ऑर्डर भी अपनी टीम में सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स भी है, आफ्टर टॉस पे एक दो चेंजेस मैं करूँगा, लेकिन टीम एक नंबर मुझे लग रहा है, मुझे लगता है टीम में कोई चेंजेस करना चाहिए। कैनेडा ने देखो अब T20 बैटिंग आ रही थी, यहाँ पे भी बैटिंग आएगी आएगी, बॉलिंग भी पूरे ओवर करेंगे एज ए कैप्टन जाना, बस लोग जी हुए के साथ जाओ, पर ये सब मैं प्रिफे नहीं करूँगा। मैं प्रिफे करूँगा आप बेन वाइट के साथ चले जाओ, नहीं तो अपनी टीम में मैथ्यू फोस्टर, नहीं तो अपनी टीम में थॉरेंस ले सकते हो, तो पीटर मूर स्टेफन ये सबसे अच्छा ऑप्शन। आप मेरी बात मानो जो कि मैं थोड़ा सा प्रिफे करूँगा, स्टेफन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि बंदा विकेट कीपिंग भी करेगा प्लस बैटिंग भी करने आएगा, तो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन किसके साथ जाए मुझे भी कन्फ्यूज, क्योंकि फिनॉन हैंड भी अच्छा है, बेन वाइट भी अच्छा है, मुझे लगता है विकेट्स वगैरह ज़्यादा गिरेंगे, तो मुझे लगता है बेन वाइट के साथ है अपना वाइस कैप्टन जाना, मुझे ज़्यादा फायदा का सौदा लग रहा है। लेकिन हो सकते हैं पार्टी हुए स्टेफन आपको मेरा वाइस कैप्टन देखने को मिले, ऐसा चांस हाई है, ध्यान रखिएगा। मैं बेन वाइट के साथ जाना चाहूँगा, सेम टेकोटर जाकर बुक कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन गई। सेम टेकोटर बुक कर दो, सेम टिकट देखो आफ्टर टॉस में पांच से बता रहा हूँ, एक दो चेंजेस मैं करूँगा। ग्रैली के जबरदस्त वैसे ग्रैली के लोग विनोद बंदे के कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो, सेम टीम रखना ठीक है, सेम टीम रखना। आपकी टीम में जेस में क्रिकेट को पिक कर लेना एक दो टीम में, और साथ ही साथ रोज एटर को पिक करना, देव खलील को पिक करना, इन तीन प्लेयर्स रोटेट करना इसी टीम में किसी किसी के जगह, जैसे इसको ड्रॉप कर दिए एक मैच में एक टीम में, मतलब कि इसको ड्रॉप कर दिए, जी को ड्रॉप कर दिए, ऐसे रोटेट करके ग्रैली टीम बनाना ठीक है। ग्रैली टीम जो बना लेना, टेंशन ना लो, आप सोचो ग्रैली टीम भी नहीं तो बनाना तो मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो। टेलीग्राम से अफेक्ट है स्मॉल टीम है, जैसे आप हेड टूट से हंड्रेड मेंबर्स से यूज कर दो, वाइस कभी फिनोड हैंड भी अच्छा है कि वनडे मैच के हिसाब से, और स्टेफिन भी अच्छा है, तो ध्यान रखना। सेम टेम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, आप टॉस इसको कुछ चेंज हो तो टेलीग्राम ट्रीट कर दूंगा। वनडे मैच है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, लिमिट में ही कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में है, T20 अच्छा गया हम सबके लिए, आप लोग भी प्रॉफिट कमा सकते हो, सब्सक्राइब यूज कर लेना, और फैन बॉक्स वगैरह रजिस्ट्रेशन यूज कर लेना, क्योंकि रियल कैश मिलेगा 100% जिस आप किसी भी कॉन्टेक्ट में यूज कर सकते हो। रजिस्टर का ऑप्शन इस पर क्लियर रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, यूज कर लेना ठीक है। बाकी टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम के लिए कमेंट बॉक्स लिंक भी है।